मुरादाबाद की नई सड़क स्थित फेमस इंस्टीट्यूट में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंस्टीट्यूट में अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण करने के साथ राष्ट्रगान गाया गया और सभी को इस आजादी दिवस की बधाई भी दी गई। सभी का ये कहना था कि आज हम एकता के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे की मदद करने का काम करें। नायब इमाम सैयद फहद अली ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभी बच्चों को बधाई देने के साथ कहा कि बड़ों का सम्मान करें और एकता के साथ आगे बढ़े। आज बहुत खुशी का दिन है और पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके पर बहुत प्यार मोहब्बत के साथ ये 15 अगस्त का स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और हम कभी ग़ुलाम हुआ करते थे, हमारा मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये मुल्क और आगे तरक्की करेगा, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा और हो भी रहा है इंशाल्लाह और आगे भी यही उम्मीद है। सिटी चैनल से बात करते हुए इंस्टीट्यूट की साइना ने बताया कि काफी समय के बाद आज हम इकट्ठा हुए हैं और आजादी का दिवस मना रहे हैं। महामारी के दौरान सब कुछ बंद था, ऐसे में बच्चे भी इंस्टीट्यूट से दूर थे, आज काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और सभी लोग इस बात की शपथ ले रहे हैं कि हम सब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी फेमस इंस्टीट्यूट की सेकेंड ब्रांच है एस कुमार चौराहे पर। यहाँ पर हम लोग आज 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूशन क्लोज थे, इसलिए आज इंस्टीट्यूशन ओपन करने पर अभी 2 से 3 दिन पहले इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देखी, दे वांट के स्टडी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ 15 अगस्त भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। लास्ट मैनी ईयर से हम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द कोविड प्रॉब्लम्स। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ एजुकेशन दे रहे हैं और इस एजुकेशन को लेने के बाद स्टूडेंट्स आज़ादी के साथ साथ अपने आप को आगे डेवलप करें, पूरी तरह से अपने आप को आगे सर्वाइव करें।